ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। वागले के खिलाफ पुणे पुलिस ने यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले की आलोचना पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि वागले ने अडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसमें मामले को तुल पकड़ने के बाद बीजेपी नेता सुनील देवधर ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। अब पुलिस ने निखिल वागले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वागले महाराष्ट्र में महानगर अखबार के एडिटर रह चुके हैं। निखिल वागले पर पुणे में हमला भी किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब पत्रकार निखिल वागले निर्भय बनो रैली के लिए जा रहे थे। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार पर स्याही फेंकी और नारेबाजी कर कार का शीशा भी तोड़ दिया। पुणे पुलिस के द्वारा वागले के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां अरेस्ट निखिल वागले ट्रेंड में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ वागले का बचाव भी कर रहे हैं। वागले के खिलाफ पुणे के विश्रामबाग थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ, इसकी जांच की जा रही है। एक तरफ पुणे में निखिल वागले के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रैली निर्भय बनो नहीं हो पाई। पुणे बीजेपी ने पुलिस ने इस रैली को अनुमति नहीं देने की मांग की थी। अपने खिलाफ कार्रवाई होने पर पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, मुलाकात तो होकर रहेगी। फिलहाल हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए हैं। वागले को पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। अशा प्रकारचे मी आताच काय बोललो तुम्ही बघितलेलं आहे। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या घटना कदापि महायुतीचं सरकार खपून घेणार नाही। कुणालाही कायदा हातामध्ये घेण्याचा अधिकार दिलेला नाही। ही घटना आताच घडलेली आहे तर मी ताबडतोब CPC त्या ठिकाणी बोलतो आणि जे कोणी तिथं CCTV कॅमेऱ्यात किंवा कोणी ते बघितलेले असतील त्यांच्यावर पुढची कडक कारवाई ही करण्याच्या बद्दलच्या सूचना देतो। हे प्रकार अजिबात आपल्या भागामध्ये घडता कामा नये। मधी पण काही बाबतीत कुणावर शाई टाक, कुठं काय कर अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या होत्या। ही आपली महाराष्ट्राची परंपरा नाही, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही आहे। ही आपल्याला चव्हाण साहेबांनी जो महाराष्ट्र घडवला किंवा ज्या महाराष्ट्राला सुसंस्कृतपणा दिला तो त्याला या अशा प्रकारच्या घटना काळीमा फासण्याचं काम करतात। कालचे गुढीवार होता कामा नये। कालचे गुढीवार प्रकरणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा प्रकारे पत्रकारांवर हल्ला करण्यात येते का? असं अजिबात असं कोण करेल? तुम्ही असे काहीतरी प्रश्न विचारता, तुम्हाला तो अधिकार आहे तुम्ही काय प्रश्न विचारावा, पण असं कुणा कुणाच्या असं मनात येईल असं का तुम्ही विचार करता? निगेटिव्ह विचार करायचं सोडून द्या, निगेटिव्ह प्रश्न विचारायचं सोडून द्या, आपण पॉझिटिव्ह राहू ना। आपण सगळे आज देशाचे पंतप्रधान एवढं त्या ठिकाणी रात्रंदिवस काम करतायत, देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत, सतत चांगली भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न करतायत, अशा वेळेस आपण पण त्यास सकारात्मक विचार करावा असं माझी विनंती। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।